थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए पर मौजूद है और इस वक्त इसकी वेलोसिटी है वी आई। अब जब हम इसे एक्सीलरेट करेंगे तो ये पॉइंट ए से बी तक पहुंच जाएगा और इसकी रफ्तार हो जाएगी वी एफ। पॉइंट ए और बी के दरमियान का फासला है एस, तो ये फासला हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए मालूम करेंगे। तो चलिए ड्राइव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे कि हमने सपोज किया कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर मौजूद है और उसकी रफ्तार है वी आई। अब जैसे ही हम इसे एक्सीलरेट करेंगे ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला जाएगा और पॉइंट बी तक पहुंचते हुए इसकी रफ्तार वी एफ हो जाएगी। अब पॉइंट ए और बी के दरमियान का फासला है एस, तो एस इक्वल्स टू वी बार मल्टीप्लाई बाई टी, जो कि इक्वेशन नंबर वन है। अब हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई टू, जो कि इक्वेशन टू है। तो इक्वेशन टू को हम इक्वेशन वन में प्लेस कर देंगे तो इक्वेशन नंबर वन हो जाएगी एस इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, जो कि इक्वेशन नंबर थ्री। जैसे कि इक्वेशन नंबर थ्री में टी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से इस टी की वैल्यू को मालूम करेंगे। तो वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, जो कि इक्वेशन नंबर फोर नज़र आ रही है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। अब हमारे पर राइट हैंड साइड पे वी आई प्लस कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम इसे माइनस कर देंगे। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास बचेगा ए टी, जो कि इक्वेशन नंबर फाइव है। अब राइट हैंड साइड पे ए मल्टीप्लाई कर रहा है टी के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम इसे शिफ्ट करवा देंगे तो हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए, और हमारे पास टी की वैल्यू मालूम हो जाएगी, जो कि इक्वेशन नंबर सिक्स में है। अब हम टी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थ्री में प्लेस कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर थ्री कुछ ऐसे हो जाएगी एस इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए, जो कि इक्वेशन नंबर सेवन। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ब्रैकेट वी एफ प्लस वी आई ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टू ए। अब हम टू ए को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा टू ए एस, और हमारे पास राइट हैंड साइड पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर फार्मूला बन रहा है, तो हम इसे फैक्टर फार्मूला में क्लोज कर देंगे तो हो जाएगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू ए एस इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, जो कि इक्वेशन नंबर नाइन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें।